हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु और आज हम बात करेंगे व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द समूह के लिए एक शब्द की। मैंने इसमें 100 शब्दों को शामिल किया है, लेकिन उसके साथ साथ मैं बाकी शब्दों को भी बताती रहूँगी। और जो बहुत ही साधारण से थे, जिनकी नॉलेज अक्सर सबको होती ही है, वो मैंने इसमें छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर जिस एक शब्द को बोलकर भाषा को अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाया जाता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। वैसे क्या होता है कि हम एक पूरा सेंटेंस बोलने के बजाय एक शब्द बोल देते हैं, जिससे कि भाषा बहुत ही आकर्षक हो जाती है, इसीलिए इन शब्दों को यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं। पहला है आपका दुर्लभ, जो आसानी से उपलब्ध ना हो। इसका अपोजिट हो जाएगा सुलभ। इसके बाद होएगा जो नहीं हो सकता, असंभव असंभव। इसके बाद आता है जो किसी के बदले कुछ बोलता है, कुछ करता है, प्रतिनिधि। मान लीजिए मैं अपनी बात कहने के लिए किसी से किसी दूसरे इंसान को भेज दूँ, तो उसको वो मेरा प्रतिनिधि कहलाएगा। इसके बाद आता है गर्भ की थैली से जन्म लेता है, उसे बोलते हैं जरायुज। नेक्स्ट है जो पसीने से जन्म लेता हो, स्वेदज। स्वेद पसीने का ही दूसरा नाम है, तो इसलिए इसको बोलेंगे स्वेदज। हजार वर्षों का समाहार, सहस्त्राब्दी। और 100 वर्षों का समाहार, शताब्दी। हजार, ये सहस्त्र में हजार ही इसका मतलब है, और शत का मतलब होता है 100। तो इन दोनों को आप ऐसे याद कर सकते हैं। जन्म से 100 वर्ष बीत जाने पर मनाया जाने वाला उत्सव जन्मशती। इसमें भी शती आया हुआ है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि 100 वर्ष को ही हम शो बोलते हैं, शत बोलते हैं। साल में एक बार होने वाला वार्षिक, और वार्षिक से आप और शब्दों को भी याद रख सकते हैं, जैसे कि दिन में होने वाला, एक दिन में होने वाला दैनिक, और सप्ताह में होने वाले को बोलेंगे साप्ताहिक। ऐसे ही एक महीने में होने वाले को बोलेंगे मासिक। तो इस तरह से आप अन्य शब्दों को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर है आपका 15 दिन में एक बार होने वाला। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। जैसे आपने देखा होगा, महीने में आपके दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो वो 15 15 दिन के होते हैं। इस आधार पर ये नाम रखा हुआ है। इसके बाद आता है हर दिन होने वाला प्रतिदिन। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। अतिथि में देखिए आ जो आ रहा है, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। तिथि, तिथि का मतलब होता है दिनांक। तो जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि बोलते हैं। जिसका पति जीवित हो, सदवा। और जिसका पति मर गया हो, उसको बोलते हैं विधवा। ऐसे ही जिसकी पत्नी जीवित हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको विधुर बोलते हैं। दूर की सोच रखने वाला, दूरदर्शी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अदित्य। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, अजातशत्रु। अजातशत्रु में जो आ आता है, इसमें भी ये निगेटिव सेंस देता है। उसके बाद आता है तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। आकाश में उड़ने वाला, नभचर। नेक्स्ट चलते हैं। जिसकी 8 भुजाएं हो, अष्टभुज। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। अब देखिए अष्टभुज में क्या है कि ये संख्या को दर्शा रहा है, अष्ट। इसी प्रकार से आप अन्य शब्दों को भी लर्न कर सकते हैं, जैसे कि 6 भुजाओं वाला षष्ठभुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। तो अन्य शब्दों को भी आप याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। इसमें आप इसी लाइन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप इसे अलग करके पढ़ेंगे तो ये जन्मांध इसका मतलब लाइन से ही निकल जाएगा। इसके बाद आता है तप करने वाला, तपस्वी। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो उसे कहेंगे नवजात। नव मतलब नया, जात मतलब जन्मा। नवजात, अत्यंत सुंदर स्त्री, रूपसी, मयूर की तरह आंखों वाली, मयूराक्षी। मयूराक्षी में जो अक्ष है लास्ट में, इसमें क्या है कि अक्ष आंख को ही बोलते हैं, तो अगर आप इसे अलग करके पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल लाइन से ही इसका अर्थ समझ जाएंगे। जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर। ये आपको मैंने अभी बताया था, और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा बोलते हैं। फल फूल व मांस दोनों खाने वाला, सर्वाहारी। तो दोनों चीज़ों को जो खाएगा वो सर्वाहारी होगा। फल फूल खाएगा सिर्फ उसको शाकाहारी बोलते हैं, जो मांस खाएगा उसको मांसाहारी, और दोनों खाने वाले वो सर्वाहारी बोलेंगे। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। हस्तलिखित में हस्त का मतलब हाथ होता है, ये हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। नेक्स्ट है हित चाहने वाला, हितैषी। जो इस लोक की बात करता हो, लौकिक, जो मतलब काल्पनिक बातें ना करता हो, वास्तविक बातें करता हो। और इसका अपोजिट आ जाएगा अलौकिक, जो मतलब काल्पनिक कथाओं में ही अपने खोया रहता है, जो मतलब वास्तविक बातें करता ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य। अमूल्य भी नेगेटिव सेंस दे रहा है अलगने से, और इसका अपोजिट हो जाएगा मूल्य। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम, अगम्य। ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है और इसका अपोजिट हो जाएगा गम्य। मतलब बहुत सारे आपके ये शब्द इसी तरह से याद हो जाएंगे, अगर आप लाइन ध्यान से पढ़ें तो इसी तरह से आपको याद हो जाएंगे, और इनके अपोजिट भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपके इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। जैसे आपने सुना होगा अजर अमर, अमर मतलब जो कभी ना मरे, अजर ऐसे ही अजर हो जाएगा जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। ये तीन काल हो जाएंगे तो त्रि संख्या को दर्शा रहा है, त्रिकालदर्शी। जिस लड़के का विवाह ना हुआ हो, कुमार। और जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो तो कुमारी हो जाएगा, मतलब ये दोनों का ही आपका लिंग भी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं, क्षितिज। आपने देखा होगा जहाँ समुद्र के किनारे आप बैठेंगे ना, तो समुद्र का आपको कोई छोर नहीं दिखेगा, ये नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो उस जगह पर आपको आसमान भी दिखेगा, तो उस जगह को आप बोल सकते हैं कि क्षितिज, वो जगह बोली जा सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आसमान से वो समुद्र मिल रहा हो। इसके बाद है शीघ्रता से चलने वाला, द्रुतगामी। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी या ज्ञानी हो, विदुषी। और जो जो पुरुष पढ़ा लिखा और ज्ञानी हो उसको विद्वान बोलेंगे। हवा में मिली धूल या भाप के कारण होने वाला, अंधेरा, धुंध। जल में जन्म लेने वाला, जलज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलेंगे अग्रज, यानी कि जो उसका पहले जन्म हो गया, तो अग्र मतलब आगे, यानी कि पहले जन्म हुआ तो अग्रज हो जाएगा, और ये बाद में जन्म अनुज हो जाएगा। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, धीवर। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, टापू कहलाता है। यानी कि देखिए, आपने समुद्र में देखा होगा कोई एक भूभाग उठा हुआ होता है ऊंचा सा, वो दिखता है आपको, उसको टापू बोलते हैं। काम या पद छोड़ने हेतु लिखा गया पत्र, त्याग पत्र। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाहत, जिज्ञासा। देखा होगा आपने, उत्सुकता रहती है कुछ पाने की, और मतलब या कुछ जानने की,
बोलते हैं जिज्ञासा। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, अधीक्षक होता है। किसी काम को बढ़ा चढ़ा कर, सॉरी ये काम नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा बात आपका, तो ये यहाँ पे बात आ जाएगा, काम नहीं है, ये पॉइंटर छोटा करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे बात आ जाएगा, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। कम अकल वाला अल्प बुद्धि, अल्प मतलब थोड़ा होता है, तो वही बुद्धि अपने अकल को बोल दिया है। कम बोलने वाला मितभाषी, ऐसे ही कम खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्ययी, मतलब जो कम खर्चा करता हो, तो मित लगने से इसका ये कम आ जाता है, मित का मतलब कम बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे आपको और भी सेंटेंस बनाने हो, और भी शब्द बनाने हो, तो आप ऐसे ही उनके आगे मित लगाकर इस तरह के शब्दों को बना सकते हैं। ऐसे ही कम जानने वाला अल्पज्ञ, अल्प मतलब जान मतलब कम। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, तानाशाही। आप में से कुछ लोग जानते होंगे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जो राजा है, वो अपने अकॉर्डिंग ही शासन चलाता है, तो उसकी उसको बोलेंगे तानाशाह, यानी कि जो व्यक्ति चलाता है शासन ऐसा, उसको बोलते हैं तानाशाह, और उसकी शासन प्रणाली को बोलेंगे तानाशाही। इसके बाद आता है एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहना या लिखना, अनुवाद। अनुवाद कहते हैं ना, हिंदी अनुवाद और इंग्लिश अनुवाद, वही एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको ट्रांसफर करना, उसको कहेंगे अनुवाद। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित। उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रति उपकार। इसमें पै में रह दूसरा वाला लगा है, इसमें गलती से वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ईश्वर पर विश्वास न करने वाला नास्तिक, और जो ईश्वर पर विश्वास करे वो हो गया आस्तिक। न करने वाला, न से ही नास्तिक शुरू हो रहा है, और न से ना करने वाला, तो इससे आप जनरली याद कर सकते हैं, इजी रहेगा। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त, उपर्युक्त। नीचे लिखा हुआ अधोलिखित, अधो मतलब नीचे और लिखित मतलब लिखा हुआ। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, स्वयं मतलब खुद, और सेवक मतलब सेवा देने वाला होता है, उसको सेवक बोलते हैं। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी। अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकने वाला किं कर्तव्य विमूढ़। ये वर्ड थोड़ा सा कुछ अलग ही है। अपने परिवार के साथ सहपरिवार, ये सहपरिवार गलत लिख गया है नहीं होगा इसमें, है नहीं होगा, सह ओनली सह लग जाएगा। सह मतलब सहित का सेंस देता है ये, सहित मतलब किसी के भी सहित, मतलब सहित मतलब साथ, तो सह जनरली कुछ शब्दों में लगता है। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। और इसी में आपके देखिए दो शब्द और मैं आपको लर्न करा देती हूँ। आवश्यकता से कम वर्षा होना, कम वर्षा होना अल्पवृष्टि होगा, और वर्षा बिल्कुल नहीं होना अनावृष्टि होगा, ठीक है। तो तीन शब्द आपके हो गए यहाँ से। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक, आँखों से परे परोक्ष। परोक्ष मतलब आँखों के पास पास नहीं होना, मतलब अलग होना, ठीक है। आंखों के सामने बोलेंगे प्रत्यक्ष, यानी जो आंखों के सामने ही है बिल्कुल, तो उसे प्रत्यक्ष बोलेंगे। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना, आयात। ऐसे मैंने ऐसे याद किया है जैसे सामान आना, मतलब जो सामान हमारे पास आ रहा है उसको बोलेंगे आयात, आयात मतलब आना, और जो जो सामान जा रहा है, जाता है, मतलब जो हम दूसरे देशों को भेजते हैं उसको बोलेंगे निर्यात। तो आयात भी याद रह जाता है, तो निर्यात इजीली याद रहेगा, जनरली इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। सच्चे चरित्र वाला सच्चरित्र। आशा से अधिक आशातीत। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। आदि से अंत तक आद्योपांत। आदि मतलब प्रारंभ होता है, मतलब शुरू, शुरू भी बोल सकते हैं इसे आप, आदि से अंत तक आद्योपांत। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत। अन्य से संबंध में रहने रखने वाला, अन्य से संबंध रखने वाला, ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी हो गई।
अनन्य बोलेंगे, अपने को पंडित मानने वाला, पंडित मन्य। तो ये आपका देखो शब्द से ही पता चल रहा है वैसे, मन्य मतलब मानने वाला हो गया। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतींद्रिय, अति होते या अति मतलब होता है ज़्यादा या फिर बाहर, जैसे कि किसी चीज़ की अति हो जाती है, आपने सुना होगा, तो ये वही है, उसी तरह से ही बनाया हुआ है। इंद्रिय अति इंद्रिय, इस लोक से संबंधित ऐहिक, इस लोक से संबंध रखने वाला। देखिए इस लोक से संबंधित, सॉरी ये मैं ये गलत हो गया, इसमें आया आएगा अहलौकिक आएगा, इसमें अहलौकिक आएगा, इस लोक से संबंध रखने वाला, अहलौकिक बोलेंगे उसे। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए खग्रास कहलाएगा। एक ही जाति का सजातीय, एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक, जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उसको समसामयिक घटनाएं बोलते हैं ना, जैसे उसी तरह से। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध, क्रम के अनुसार यथाक्रम, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, अंतः कथा मतलब अंत, अंतर्गत से ही आप याद रख सकते हैं, अंतर्गत मतलब अंतः कथा। इसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव और अनिर्वचनीय है, वचनीय मतलब बोलना, या बोलना तो वही भाषा द्वारा ही तो बोलते हैं ना, अनिर्वचनीय, जो इंद्रिय द्वारा जाना ना जा सके, अगोचर। इसमें भी नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो आ इसमें जुड़ा हुआ है उपसर्ग। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण, इसमें अति से भी ज़्यादा ये हो गया है, यानी कि सीमा में रहना हो तो हो, सीमा का उल्लंघन हो रहा है ना, मतलब सीमा से बाहर जा रहा है, तो अति अति हो रही है ना, तो अतिक्रमण हो जाएगा। जो आज तक से संबंधित हो, अद्यतन मतलब जैसे कहते हैं कि आज तक की जो घटनाएं हैं, तो उनको बोलेंगे, अच्छा किसी डे पर्टिकुलर डेट से बोलेंगे, जैसे 5 मार्च 2020 से और आज तक, तो बोलेंगे 5 मार्च 2020 से अद्यतन, इस तरह से इसको समझ लेंगे। अब आपके ये नेक्स्ट है, निश्चित अवधि तक लागू आदेश, अध्यादेश। फिर है सरकार की ओर से जारी सूचना, अधिसूचना। वो सरकार की ओर से जारी सूचना नॉर्मल सूचना नहीं है, तो इसलिए उसको अधिसूचना बोलेंगे। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, आदित्य का मतलब पहाड़ के ऊपर एक सपाट सी जगह हो जाती है, वैसे तो जनरली पहाड़ आपके क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, चोटी बनी होती है उनके ऊपर, लेकिन अगर समतल जमीन होती है उनके ऊपर तो आदित्य का बोलते हैं उसे। जिसे किसी भी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ, अज्ञ, इसके दो मतलब हैं, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अन से ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, भिज्ञ मतलब जानने वाला, मतलब पता हो जिससे बात का, भिज्ञ हो जाएगा, और अन्न लगा देंगे अनभिज्ञ, तो ये किसी बात का पता ना होना नेगेटिव सेंस देगा। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, और इसका अपोजिट हो जाएगा किंचन, वही नेगेटिव सेंस की वजह से अलग है। जिसका किसी में लगाव हो, अनुरक्त, जो सहनशील ना हो, असहिष्णु, और अपोजिट हो जाएगा सहिष्णु। इसी तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, न जोता गया खेत, अपृहत, अपृहत। ठीक है, तो इस तरह हमने देखे 100 से ज़्यादा आपके ये शब्दों को लर्न कर लिया है। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को चाहे तो एक बार में देख लीजिए, या फिर आप 10-10 करके लर्न कर लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए एक बार, और आप एक साथ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार या 2 से 3 बार देख सकते हैं, तो आपको इजीली ये शब्द याद हो जाएंगे। मैंने कोशिश तो की है कि आपको सुनते ही समझ में आ जाए, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।